दबंग भू माफियाओं के द्वारा परेशान किए जाने से पीड़ित महिला आज जिला मुख्यालय पहुंचकर कमिश्नर से शिकायत की। आपको बता दें कि जयतपुरा से सलारपुरा तरफ रहने वाले कई परिवार की महिलाएं आज जिला मुख्यालय पहुंची हुई थी। महिलाओं का कहना है कि वह अपने निवास पर पावर लूम में काम करती हैं और परिवार का किसी तरीके से जीवन पोषण होता है। विगत कुछ दिनों पहले ही आए दिन क्षेत्र में भूमाफिया संजय अपने पुराने साथियों के साथ उनके मकान पर जबरन अवैध कब्जा करने की नीयत से उनको बार परेशान किया और जहां जा रहा था साथ ही मारने पीटने के साथ डराया धमकाया भी जा रहा है। इस बात की शिकायत लेकर के जब भी स्थानीय थाने गई तो वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि भूमाफिया के दबाव में वहां की पुलिस कोई कार्य नहीं कर पा रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कल दोपहर 2 बजे तक के करीब भूमाफिया अपने लोगों के साथ आकर घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बच्चों के साथ बुजुर्गों के साथ मारपीट की है। साथ ही घर के सामान को तोड़ फोड़ दिया, साथ ही भद्दी गालियां भी दी गई, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि मकान को ही अवैध बताया जा रहा है। इसलिए आज हम जिला मुख्यालय पहुँच कर जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, राज्य मानवाधिकार, राज्य अल्पसंख्यक आयोग और मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन दिए हैं और तुरंत विपक्षियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई चाहते हैं। तो मानना था ना, ना क्या नाम है? मेरू निशा। क्या मामला है? मामला ये है, आज 18 साल का मेरा बैनामा है और जब जब हम लोग इधर रखते हैं थोड़ा थोड़ा मकान बनाते हैं, संजय वहाँ का एक पंडित है, वो आता है पुलिस को बुला लेता है, बस करता है गाड़ी गुस्सा करके चला जाता है। वो कुन दिखाता है और कुन जब रहता है तो हम लोग क्यों देखो 500 घर बनाए पूरी बिल्डिंग उसी जगह आस पास किसी को नहीं गिरा। अब गिरा तो 4 मकान गिराया गया, नोच के मुँह नचुआ से नोचा कि हम लोग सब रखते हैं। हम लोग कहाँ की जमीन है और कहाँ जमीन? हम लोग के बनारस के सलारपुरा। कौन से थाने आते हैं? थाने तो राजा का तालाब था। तो क्या थाने द्वारा संपर्क किए? थाने वाले तो मिल के तोड़ाया गया है, बरसों की बात है, 3 दिन से 10 दिन का मोहलत दे के गया। क्या करेंगे बच्चे लोग, कहाँ लेके जाएंगे, कौन कौन है मेरे? जी क्या पर्चे? मैं एडवोकेट सुरेंद्र सेठ, जॉइंट सेक्रेटरी बनारस बाग। क्या मामला है? आज पीड़ित परिवार के साथ आया हूँ। कल जैसा कि ये लोग हमसे मिले थे और इन्होंने अपना एक जो वेदना होती है शिकायत के रूप में हमसे दर्ज कराई कि वकील साहब हमारे साथ ऐसे ऐसी घटना हुई। तो ये लोग थाना जैतपुरा अंतर्गत सलारपुरा निवासी हैं, जहाँ इनका मकान विगत कई वर्षों से बनाकर उसमें रह रहे थे। कहा यह जाता है कि उनका मकान जो है जर्जर स्थिति में है, जबकि जो वीडियो फुटेज मौके का तोड़ते समय आया है वो इस तरह का नहीं है कि हम जर्जर कर सकें। 10 फुट ऊंचा मकान यदि टीन से डला है तो जर्जर की स्थिति में वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर भी है तो रहने के लिए आदमी अपना कोई ना कोई एक आश्रय बनाता है। तो पैसा जिससे आता है तो आदमी उसको ढलाई भी कराता है, तो रहने की स्थिति के लिए वो ठीक था, लेकिन जर्जर बताते हुए केवल कुछ भू मुआफियाओं के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई जो हुई है ये बड़ा निंदनीय है। क्या है सर, इनकी जमीन क्या इनके नाम से? इनकी जमीन का बैनामा हुआ है, इनकी जमीन पर मकान नंबर अलॉट हुआ है, इनकी ज़मीन पर ये टैक्स रेगुलर पे करते आए हैं, जिसकी रसीद इनके पास है, जो हमने देखा है, हमको दिखाए हैं ये लोग। तो ऐसी स्थिति में यदि आप टैक्स लेते हैं किसी प्रॉपर्टी का तो वो अवैध कैसे हो गया? थाना ये कहता है कि ये अवैध प्रॉपर्टी है, लेकिन यदि अवैध है तो आपने टैक्स कैसे ले लिया? यदि अवैध है तो आपने मकान नंबर क्यों इशू कर दिया? तो इस ये एक विषय है जो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं इसमें जो थाना का भूमिका है वो संदिग्ध है। कुछ भूमाफियाओं का अपना नज़र प्रॉपर्टी पर बनी हुई है। मतलब क्या थाने द्वारा आप संपर्क किया? थाना जो है आया था मौके पर थाना आया था, तो उन्होंने जिस तरह से इन्होंने बताया घर में घुस करके मारना पीटना और सामान को बाहर फेंकना, तमाम तरह का जो हुआ है रोना गाना सब कुल हुआ है उसमें, तो बच्चों को भी नहीं छोड़े हैं, मारे पीटे हैं, तो उस तरह व्यथित है लोग। इन्होंने कहा कि भैया हमारा मकान इतने समय से हम लोग रहते आ रहे हैं और आज तोड़ दिया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम ये चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिसमें जो दोषी हों उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाए और पीड़ित को परेशान न किया जाए। ये तो ऑलरेडी पीड़ित हैं, तो कम से कम अगर ये बैनामेदार हैं, मौके पर रहते हैं, तो
चूँकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, अगर यहाँ से इस तरह की बात जाती है कि जनता पीड़ित है और परेशान हो रही है थाना द्वारा, तो एक हमारे लिए बड़ी निंदनीय बात हो जाती है कि हम लोग भी ऐसे जनपद में हैं जहाँ अनेक कीर्तिमान बनते हैं, लेकिन इस तरह की बात उसको धूमिल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।